हेलो एवरीवन, डीआई सीरीज के डे सिक्स में आपका स्वागत है। आज का क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पे बेस्ड एक बहुत अच्छा डीआई है। चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस की ओर जाने से पहले, जिन तक ये क्वेश्चन नहीं पहुंच पाया, आप इस वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके पहले क्वेश्चंस बनाने का कोशिश करें, फिर आगे वीडियो को देखें। नो डाउट क्वेश्चन सारे अच्छे लेवल के। मैं डीआई को ओवरऑल एक बार यहाँ पर ही समझा देता हूँ कि डीआई में बोलना क्या चाह रहा है। डीआई में मुझे कुछ आइटम्स आर्टिकल्स दिए हुए हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दिए हुए हैं और कुछ आइटम ब्लैंक है, यानी कि ये एक आपका मिसिंग डीआई भी है आपका, ठीक है। अर्थमेटिक तो है ही, ये आपका मिसिंग भी है। अर्थ मिसिंग प्लस अरिथमेटिक, मिसिंग एंड अरिथमेटिक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस परसेंट दिए हुए है, कुछ पार्ट ब्लैंक है। अगर क्वेश्चन में चर्चा करेगा तो उसके अकॉर्डिंग हमको वहाँ पे निकालना है, पहले से निकालने पे ध्यान नहीं देना है। कुछ डिस्काउंट परसेंट गायब है, कुछ का डिस्काउंट परसेंट दिए हुए है, कुछ का मार्कअप परसेंट दिए हुए। मार्कअप परसेंट का मतलब क्या होता है, सीपी से आप कितना परसेंट अधिक मार्क किए हो। जैसे 28% अधिक मार्क किए हो तो सीपी हमारा 100 होगा, तो एमपी क्या हो जाएगा हमारा इसका 28% अधिक, यानी कि 128। मार्कअप परसेंट का मतलब ये होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में बोलेगा मुझे उसी के अकॉर्डिंग करते चले जाना है। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, एन ओनर ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक शॉप सोल्ड कूलर एट अ कस्टमर एट अ लॉस गिवन इन द टेबल। कूलर को कितना परसेंट लॉस पे बेचा जा रहा है, 8% लॉस पे बेचा जा रहा है। हैड ही सोल्ड इट फॉर 475 मोर, अगर 475 रुपया अधिक पे बेचता, देन ही वुड हैव गेन 11% प्रॉफिट। कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, 11% का। व्हाट इज द मार्क प्राइस ऑफ द कूलर, कूलर का क्या निकालना है मुझे, मार्क प्राइस निकालना है। तो मान लिया मैंने सीपी हमारा 100 था, तो 100 के अकॉर्डिंग जब मुझे 8% का लॉस हो रहा था, कितने परसेंट का, 8% का, तो जब 8% का लॉस हुआ, तो 8% का लॉस हुआ यानी कि कितना, 92 रुपीज पे मैंने बेचा। लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में कि 475 अधिक पे बेचते तो 11% का प्रॉफिट होता, यानी कि सीपी वही का वही है। तो अगर इसी पे मुझे 11% का प्रॉफिट होगा, यानी कि 11% का प्रॉफिट यानी कितना, 111, यानी इन दोनों पे इंक्रीज कितना का आया, 92 और 111 का इंक्रीज आया, यानी कि 19 का इंक्रीज आया। लेकिन क्वेश्चन में तो 475 बोल रहा है, यानी 19 यूनिट का जो संबंध है वो किससे है, 475 से है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट जब मैं यहाँ से काटूंगा 19 से 475, तो ये 2 और 5 बार में कटेगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 25, ठीक है। अब यहाँ से चाहूंगा मैं तो यहाँ से 100 का वैल्यू निकाल के मार्क प्राइस मैंने निकाल सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सीपी निकाल सकता हूँ 100 यूनिट, अगर मैं बोलूँ तो 100 यूनिट मैंने क्या माना था, इसे क्या माना था, मैंने सीपी माना था। तो सीपी यहाँ से मुझे निकल जाएगा 2500। लेकिन क्वेश्चन में मुझे मार्कअप प्राइस यानी कि सॉरी मार्क प्राइस निकालने के लिए बोल रहा है। क्या निकालने के लिए बोल रहा है, मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस कैसे निकलेगा, मार्कअप परसेंटेज आपको दिए हुए है, किसका निकालना था मुझे, कूलर का। कूलर का मार्कअप परसेंटेज दिए हुए कितना, 16%। कितना परसेंट दिए हुए है, 16%। तो मुझे यहाँ पे 16% इसका इंक्रीज निकालना होगा, यानी कि एमपी जो हो जाएगा वो एमपी कितना हो जाएगा, 2500 का 16% इंक्रीज। यानी कि सबसे पहले यहाँ पे 2500 और प्लस में यहाँ पे मैं क्या निकाल दूंगा, 2500 का 16%, यानी कि 00 कट जाएगा यहाँ पे हमारा 2500। और 25 × 16 को ब्रेक कर दीजिए 4 × 4 में, 25 × 400 और सॉरी 25 × 4 हमारा 100 और 4 × 100 हमारा क्या हो जाएगा, 400। यानी 2500 और 25 × 16 मल्टीप्लाई करने के बाद कितना मिलेगा, 400। यानी इसे मैं जब ऐड कर दूंगा तो ये हमारा हो जाएगा 2900 और हमारा एमपी निकल गया यहाँ से 2900। आप चाहें तो इसको इसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं कि 16% का अधिक मार्कअप है, जब सीपी मैंने 100 माना था तो 16% अधिक यानी कि क्या, 116 प्लस में 16% अधिक यानी कि क्या, 116। ये 116 क्या है, हमारा मार्क प्राइस है। तो एक यूनिट की वैल्यू जब 25 आ गई, तो सीधा सीधी मैं यहाँ से 116 यूनिट की वैल्यू भी निकाल सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा, 25 × 116। डेट इज यहाँ पे जब मैं सॉल्व करूंगा तो ये भी मुझे 2900 देगा। कितना देगा, 2900। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2900। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि इफ द शॉपकीपर मार्क द ओवन 10% अबव सीपी, 10% अधिक मार्क करता है और गीजर पे 20% अधिक, तो डेफिनेटली यहाँ पे ये दोनों पार्ट खाली होगा। ध्यान से देखिएगा, ओवन और गीजर का ये दोनों पार्ट क्या है, खाली। यानी कि ओवन का ये दिए हुए मार्कअप परसेंट 10 और गीजर का दिए हुए है 20%, ठीक है, अबव सीपी। अब ये डाटा जो है हर बार हर क्वेश्चन पे लगेगा कि नहीं, ये हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, जरूरी नहीं है कि ये डाटा हर बार हर जगह लगेगा ही। तो अब मुझे यहाँ पे क्या जानना है कि अबव सीपी बोल रहा है,
तो एंड ऑल्सो सीपी ऑफ ओवन, ओवन का जो सीपी है हाफ है किसका, गीजर के सीपी का। तो यहाँ से मुझे मालूम पड़ गया कि अगर मैं बात ओवन का करूँ और यहाँ पे गीजर का बात करूँ, ठीक है, तो गीजर का बात जब मैं करूँगा तो आधा है, आधा का मतलब क्या, गीजर अगर दो होगा तो ओवन कितना होगा, एक होगा। अगर गीजर हमारा 200 होगा तो ओवन कितना होगा, 100 होगा। यहाँ से मैंने यहाँ क्या मान लिया, इसे सीपी मान लिया, क्या मान लिया, सीपी। अब मार्क प्राइस जब मैं निकालूंगा तो मार्क प्राइस ओवन का मालूम है 10% अधिक, तो जब यहाँ पे मैं 10% का इंक्रीज करूँगा, कितने परसेंट का इंक्रीज कर रहा है, 10% का, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 110। और फिर जब मैं यहाँ पे 20% गीजर पे कितना परसेंट है, 20% का यहाँ पे जब मैं इंक्रीज करूँगा तो ये मुझे क्या दे देगा, हमारा यहाँ पे 240, कितना दे दिया, 240। यानी कि मार्कअप भी निकल, मार्क प्राइस भी निकल गया ओवन का कितना, 110 और 240 गीजर का। अब आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑफर्ड बाय शॉपकीपर ऑन ओवन, ओवन पे कितना डिस्काउंट शॉपकीपर ने ऑफर किया यदि इफ गेन्ड रुपीज 1000 ऑन सेलिंग गीजर, 1000 रुपये वह गेन करता है जब वो गीजर को बेचता है। तो यहाँ पे देखिए, तो गीजर को जब वो बेच रहा है तो गीजर को बेचेगा किस प्राइस पे, वहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि वो कमा कितना रहा है गीजर को बेचने पे, 1000 रुपये कमा रहा है, गीजर को कितना प्रॉफिट पे बेच रहा है, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। बात हम लोग अब गीजर का कर रहे हैं, ठीक है, गीजर का सीपी कितना है, 200, 200 के अकॉर्डिंग जब मैं प्रॉफिट निकालूंगा 10%, यानी कि कितनी हो जाएगी, ये 20 हो जाएगी, यानी कि ये 20 यूनिट का मान कितना है हमारा, 1000। तो एक यूनिट का मान हम जब मैं निकालूंगा तो 20 से कितना बार में कट जाएगा, 50 बार में, यानी एक यूनिट की वैल्यू निकल गई हमारी कितनी, 50। जब एक यूनिट हमारा 50 निकल गया यहाँ पे इस सवाल में, तो मुझे निकालना क्या था, डिस्काउंट, डिस्काउंट किसका डिस्काउंट, ओवन का डिस्काउंट। तो ओवन का डिस्काउंट निकालने के लिए मुझे कहाँ पे आना पड़ेगा, मार्क प्राइस पे आना पड़ेगा, यानी कि 110 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 × 110, ये क्या निकल गया हमारा, ओवन का मार्क प्राइस, ये क्या निकला हमारा, ओवन का एमपी। जब ओवन का एमपी निकल गया, हम लोग ओवन के बारे में बात कर रहे हैं, तो ओवन का डिस्काउंट बताना है अमाउंट में, यानी कि डिस्काउंट जो उसको मिल रहा है, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है ओवन पे, 25% का, कितने का डिस्काउंट मिल रहा है, 25% का, यानी कि आपका एमपी कितना था ओवन का, 50 × 110, और डिस्काउंट मिला कितने का, 25% का, यानी कि 25/100, 50 से काट दिया मैंने इसे दो बार में। अब यहाँ पे मैं 25 को 110 से सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दूंगा, किसी भी नंबर को 11 से ही मल्टीप्लाई करना है, जैसे 25 × 11 जब मुझे करना है तो सिंपली यहाँ पे मैं 5 को 5 ही रहने दूंगा और यहाँ पे 2 को 2 ही रहने दूंगा, और इन दोनों को एक बार जोड़ दूंगा, 5 × 2 कितना, 7, 275, यानी कि 10 यहाँ पे पहले से भी था, यानी कि 2750 अपॉन में कितना, 2। जब मैं इसे 2 से 1 डिवाइड दूंगा तो 1, 3 और फिर 7 और फिर यहाँ पे 5, यानी कि डिस्काउंट जो ऑफर किया गया था वो कितना था, 1375 था, और इसी के साथ हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए 1375 होगा। लिटरली यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि किस क्वेश्चन को कहाँ से रिलेट करना है, बस ये DI का मकसद यही था, ठीक है, ये रिलेट कर रहा है 2-3 चीज़ों को आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ AC एंड टेलीविजन इज 15400। सेलिंग प्राइस में जो डिफरेंस है वो कितना है, 15400 है AC का और टेलीविजन का। When television is sold at a profit of 12%, television को किस profit पे बेचा जाता है, 12% के profit पे, and cost price of a AC, तो यहाँ पे television को जब 12% पे बेचा जाता है और AC को कितने % पे बेचा जाता है, तो AC को देखिए आप टेबल पे दिए हुए आपको 8% और television यहाँ पे गायब किए हुए, तो 12% का यहाँ पे क्या हो रहा है, 12% का यहाँ पे आपको profit हो रहा है, ठीक है, 12% का क्या हो रहा है यहाँ पे, profit हो रहा है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि टेलीविज़न पे प्रॉफिट परसेंट मालूम हो गया, AC पे प्रॉफिट परसेंट मालूम हो गया, और कॉस्ट प्राइस जो है AC का 15000 अधिक है किससे, टेलीविज़न से है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं मान लेता हूँ, यहाँ पे अगर CP ऑफ AC मैं यहाँ पे 100x मान लेता हूँ, ठीक है, और CP ऑफ टेलीविज़न यहाँ पे मैं 100y मान लेता हूँ, ठीक है। तो AC पे हमारा कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 8% का प्रॉफिट हो रहा है। तो AC पे जब प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे एक लाइन और, प्रॉफिट पे आने से पहले यहाँ पे एक लाइन और दिए हुए है, कॉस्ट प्राइस ऑफ AC इज 15,000 मोर देन डैट ऑफ क्या, टेलीविजन। यानी कि यहाँ से एक इक्वेशन निकल गया कि हमारा 100x इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ AC इज
15,000 मोर देन क्या 100y, यानी कि 100x माइनस में 100y इज इक्वल टू कितना हमारा दिए हुआ है 15,000। ठीक है, अभी इसे सॉल्व नहीं करना, यहाँ से आपको दिख रहा है दो जीरो यहाँ से दो जीरो कट जाएगा, आसान हो जाएगा आगे, अभी सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एसी पे जो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, एसी पे 8% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का 8% का। तो जब मैं यहाँ से एसपी निकालूंगा तो एसपी ऑफ एसी क्या हो जाएगा हमारा 100x का 108 बटा में 100, यानी 0,0 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 108x। उसी तरीके से जब मैं एसपी ऑफ टीवी निकालूंगा तो एसपी ऑफ टीवी क्या हो जाएगा 100y और गुना में कितना 112 अपॉन में 100 यहाँ से भी चला गया, यानी कि कितना हो गया 112y। और आपको स्टार्टिंग में ही बोला था एसी और टेलीविज़न का सेलिंग प्राइस का अंतर जो है वो कितना है 15400, यानी एसी कितना है हमारा 108x माइनस 112y इज इक्वल टू हमें दिए हुए है 15400, कितना दिए हुए है 15400। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ के रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ एसी, एसी का कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपको ये बताना है। तो एसी का कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100x, यानी कि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की, x की वैल्यू निकालनी है। जब मैं यहाँ से सॉल्व करूँगा, इसे सॉल्व करने के बाद आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व, लीनियर इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपको x पे ही आना है तो आपको y को एलिमिनेट करना पड़ेगा, यानी कि आप इसको भी यहाँ पे गुना कर दीजिए 112 से, इसको भी यहाँ पे गुना कर दीजिए 112 से, इसको भी गुना कर दीजिए 112 से, और यहाँ पे आप इसको 100 से गुना कर देंगे, यहाँ पे इसको आप 100 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे इसको आप 100 से गुना कर देंगे। इसी तरीके से आप सॉल्व करने के बाद, या फिर आप चाहें तो और भी आसान नंबर लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी को सॉल्व करने के बाद आपका एक्स जो आएगा, एक्स आएगा आपका 350, कितना आ जाएगा एक्स 350 आ जाएगा। जब x आपका 350 आ गया तो आपसे cp पूछा था, तो cp of ac is equal to क्या है हमारा 100x है, यानी कि 100x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 × 350, that is आपको देगा 35000, यानी 35,000 रुपीस आपकी ac की प्राइस है। और इसी तरीके से हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 35000। अब आप लोगों को यहाँ तक क्लियर होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और इस इक्वेशन को आप चाहें तो एक बार सॉल्व जरूर करें, कैसे आप इसका शॉर्ट लगा के सॉल्व कर सकते हैं आप हमें चाहें तो कमेंट करके भी बता सकते हैं, नहीं अगर आपको सॉल्व करने में भी दिक्कत हो रही है तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट अप्रॉक्सीमेटली मेड बाई कस्टमर हु बाउट वन एसी सेट एंड वन कूलर सेट। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालना है एक एसी सेट का और एक कूलर सेट का। ठीक है, तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए मुझे क्या जानना होगा, दोनों का कॉम्बाइंड सीपी और दोनों का कॉम्बाइंड क्या प्रॉफिट, हमने क्या निकालना है ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट। तो ओवरऑल के लिए क्या जानना होगा, जो भी आइटम है उसका टोटल प्रॉफिट और बटा में क्या टोटल CP और इनटू क्या 100 कर देंगे हम, तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। अब AC था और क्या था कूलर था, तो AC हमारा था 30,000 का और कूलर था हमारा 5,000 का। जब AC 30,000 का था तो AC पे हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8% का हो रहा है, तो मुझे तो सिर्फ प्रॉफिट से ही मतलब है। तो इसका जब मैं 8% निकालूंगा तो 8% निकालने के बाद यहाँ से 208 यानी कि ये मुझे देगा 2400 रुपीस। ये क्या निकला 2400 रुपीस प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ प्रॉफिट है प्लस सेम सिंबल इंडिकेट कर देना। कूलर पे मुझे हो रहा था 8% का लॉस, कितने परसेंट का लॉस हो रहा था 8% का। जब मैं 5,000 का 8% निकालूंगा तो ये मुझे देगा हमारा 400 और ये 400 रुपीस क्या हुआ है लॉस हुआ है। यानी कि अगर यहाँ से मैं माइनस इंडिका, अगर ये मैं टोटल प्रॉफिट का बात करूँ, मैंने 2400 कमाया और 400 मैंने गंवा दिया, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट जो हुई मुझे अमाउंट में, ओवरऑल प्रॉफिट जो अगर हुई तो ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितने की हुई 2400 और माइनस 400 यानी कि कितना हो गया 2000। ओवरऑल प्रॉफिट हमारा यानी कि टोटल प्रॉफिट आप इसे बोल सकते हो, टोटल प्रॉफिट कितने की हुई 2000 हुई। अब मुझे ओवरऑल परसेंटेज निकालना है, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है, तो परसेंटेज प्रॉफिट क्या निकलेगा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ हमारा 2000 का बटा में टोटल सीपी 30,000 और 5,000 कितना हो जाएगा 35,000 यानी कि 35,000 और इनटू हमारा कितना हो जाएगा 100 और ये मुझे क्या देगा परसेंटेज। इसी को जब आप लोग सॉल्व करेंगे यहाँ से तीन जीरो काट के यहाँ से 5 से 7 बार में और 5 से कितना बार में 2 20 बार में, यानी कि कितना हो गया यहाँ पे हमारा
40 अपॉन में कितना 7, आपको क्लियरली ये दिख रहा है 7 5 35 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग होगा। आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 5.71%, कितना मिल जाएगा 5.71%। और इसी के साथ हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.71% है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, आखिरी क्वेश्चन, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, टोटल अमाउंट जो कस्टमर ने पे किया आफ्टर परचेजिंग वन ओवन एंड वन फ्रिज, एक ओवन और एक फ्रिज पे, यानी कि बात किस पे करना है हमें, ओवन और फ्रिज पे। तो यहाँ पे मैंने ओवन इंडिकेट कर दिया और यहाँ पे मैंने फ्रिज लिख दिया, ठीक है, एक ही क्वांटिटी है। इफ़ द शॉपकीपर मार्क द ओवन अप बाय 15%, ओवन को जो है 15% अधिक पे मार्क करता है, ठीक है, एंड ही गेन्स 8% ऑन द फ्रिज, फ्रिज पे वो कितना परसेंट गेन करता है, 8% गेन करता है। कॉस्ट प्राइस ऑफ ओवन इज 15,000, ओवन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना है 15,000, एंड द मार्क प्राइस ऑफ द फ्रिज इज, फ्रिज का जो मार्क प्राइस है वो कितना है हमारा, फ्रिज का मार्क प्राइस जो है हमारा 11500 है, फ्रिज का मार्क प्राइस कितना है 11500। हमसे पूछ रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द कस्टमर आफ्टर परचेजिंग वन ओवन एंड वन फ्रिज, यानी कि एक ओवन और एक फ्रिज का मुझे क्या निकालना है, एसपी निकालना है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है, और उन दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो यहाँ पे आपको एक लाइन यहाँ पे बोला था कि मार्कअप जो करता है वो कितना परसेंट से मार्कअप करता है, 15% से मार्कअप करता है। अब ध्यान दीजिएगा कि आपको सीपी जब मालूम है तो अगर प्रॉफिट परसेंट आपको अगर मालूम रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट यहाँ से एसपी निकाल सकते हो, लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे ओवन का प्रॉफिट परसेंट जो है वो गायब किए हुए है, तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट के अकॉर्डिंग आपको आना पड़ेगा। तो जब आप मार्क प्राइस निकालोगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा निकालने के लिए 15,000 का 15% अधिक, यानी कि कितना 115/100। और जब आप एसपी निकालने के लिए आओगे तो एसपी कैसे निकलेगा हमारा, मार्क प्राइस पे आपने कितना डिस्काउंट ऑफर किया उसके अकॉर्डिंग, यानी मार्क प्राइस आपका इतना था और इस पे आपने कितना का डिस्काउंट ऑफर किया, 25% का, यानी कि 75/100। अब 100 100 यहाँ से दो काट दो 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में, इसी तरीके से आप काट छाट के आप आंसर ला सकते हो। मैं यहाँ पे काट छाट नहीं रहा हूँ, ये आसान सा आप काटना छाटना है, तो वीडियो को ना लंबा ना करते हुए आप इसे काट सकते हो, और काटने के बाद हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा 12937.5। मैं ध्यान रख, आप लोग ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में, मैं बहुत सारे क्वेश्चन में वीडियो को कम समय में बनाने के लिए मैंने बहुत सारे कैलकुलेशन को स्किप किया है, जो कि आप नॉर्मल जैसे यहाँ पे ही हमारा है नॉर्मल कैलकुलेशन को आप वहाँ पे कर सकते हो, तो इस टाइप के कैलकुलेशन को आप आसानी से जब कर सकते हो तो इसे आप जरूर करना है एक बार। करने के बाद अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे बताओ, फिर मैं आपको अप्रोच बताऊंगा। ये सब नॉर्मल सा कैलकुलेशन है, इस पे आप ही को दिमाग लगाना है, ठीक है। एग्जाम में मैं आके कुछ नहीं बताने वाला, ये सब में किसी का और कुछ नहीं लगने वाला, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज काम करता है वही वहां पे काम करेगा। तो ओवन की एसपी निकल गई मुझे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ फ्रिज का, फ्रिज पे क्या हो रहा है देखो, तो आप यहाँ पे फ्रिज पे मार्कअप परसेंट जो हो रहा है 15% का हो रहा है, डिस्काउंट परसेंट दिए हुए नहीं है तो यहाँ पे मैं एसपी डायरेक्ट निकाल नहीं सकता हूँ। तो मार्कअप जब 15% का हो रहा है तो वहाँ पे मैं सीपी पे आ सकता हूँ, यानी सीपी पे ही मार्कअप करूंगा 15% का, यानी कि 115/100 इज इक्वल टू कितना 11500। 115 से कितना बार में कट जाएगा, 100 बार में, यानी सीपी कितना निकल गया मुझे 10000। जब सीपी निकल गया 100%, तो यहाँ पे बोला था फ्रिज पे वो गेन करता है 8%, कितना परसेंट, 8%। तो सीपी मुझे यहाँ पे निकालना है, तो सीपी जब मैं यहाँ पे निकालूंगा तो सीपी क्या हो जाएगा 100 100, और यहाँ पे कितना 8%, यानी कि 108/100, 0 से 0 खत्म हो गया, यानी कि एसपी निकल गई 108000। अब एसपी निकल गया तो मुझे यहाँ पे टोटल अमाउंट पूछा, यानी कि इन दोनों को जोड़ देना है 1800 और यहाँ पे 12937.5। जब मैं इसे ऐड करूँगा तो क्लियर है, यहाँ पे 5 7 3 8 8 16 1 17 2 और 1 3 1 1 2, यानी 23737.5। कौन सा ऑप्शन नंबर है हमारा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है 23737.5, और इसी के साथ हमारा जो आंसर है वो ये है 23737.5। होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। आप लोग नो डाउट इस वीडियो को जरूर आराम से देखें, एक बार में अगर नहीं समझ में आता तो आप दो बार देखें इस वीडियो को, फिर भी अगर कुछ पॉइंट में आपको तकलीफ हो रही है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर मुझे यहाँ पे दिक्कत हो रही है, मैं ज़रूर आप लोगों के कमेंट्स का रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।